एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है क्योंकि आई एम गोना मेक यू गाइस मीट माय फ्रेंड। सो हम लोग जा रहे हैं अभी एंड सबसे पहले तो हम पता नहीं आने वाले, तो वीडियो में एंड तक बने रहे एंड लास्ट तक वीडियो देखना कि हम आज कहाँ कहाँ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, ऑल ब्लैक। थोड़ा सा एडवेंचरस है तो इसलिए हमने सोचा आज ब्लैक पहन के चलते हैं। इरा दीपक, हाय दीपक। हाय। ये है मेरा फ्रेंड। मास्क उतार, ढंग से दिखा दे शक्ल। देखो व्लॉग में आना था ना, तो अपनी शक्ल भी तो दिखानी पड़ेगी अच्छे से। कट कट इट। सो गाइस, हमारी चेयर लग चुकी है, हैव अ लुक। और अब हम यहाँ पे बैठने वाले हैं। काफी मजा आ रहा है, उजाला भी हो गया है और सुबह सुबह भजन भी लग चुके हैं जो कि दीपक ने लगा दिए। थोड़ा रिलीजियस है ये भी है, थोड़ा ज्यादा नहीं। कैसा लग रहा है मेरे व्लॉग में आके? यू वर लाइक वेरी, दिस इज लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मी यार, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करने का मौका मिला है लाइफ में। पहली बार व्लॉग में आ रहा है तो काफी एक्साइटेड है। पता है हर जगह जब भी जाना होता है ना, चलो इतना नहीं पता, बहुत तेज हो रहा है। सनराइज हो चुका है, आप देख ही सकते हो फेस पे कितना अच्छा लाइट आ रहा है। और अभी हमारा जो प्लान है, हम थोड़ा सा आगे निकलने वाले हैं अभी, मे बी शुरकुंडा देवी तक जाएंगे। के बाद वहीं पे हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करना है ना? नहीं, सुबह खोली में वो रास्ते में पड़ता है ना। अच्छा, मतलब उससे पहले हाँ, तो उससे पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अब हम निकल चुके हैं शुरकुंडा देवी के लिए और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। वहाँ पे धूप निकल गई थी, यहाँ पे बहुत ठंडा है, हवा चल रही है। और कैप मैं भी लगाने वाली हूँ, वीडियो के लिए नहीं लगाया था पर लगाना पड़ेगा, बल्कि ठंडा लगता है, बीमार हो जाएंगे। आप देख ही सकते हो अभी हम जो है इतनी अच्छी हसीन वादियों में है। आई कांट इवन एक्सप्लेन, मुझे कितना अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद ऐसी जगह में आने के बाद। और पीछे इतना अच्छा व्यू है, तो मैंने इसको बोला भाई मैं बाइक रो कभी, क्योंकि मुझे ये व्यू कैप्चर करना था। और हम जो है अभी सुआ खोली से आगे हैं बुराज खंडा की साइड पे, तो आप व्यू को एंजॉय करो और आगे फिर आपसे मिलते हैं। चार सीढ़ी चढ़ के देखना जरा। थकान लग गया, हम सुबह ही थक गए हैं। ये तो क्या, मैं थक गए हैं बता देवी मैया से मिल मलियोन। ये तो पहाड़ कुछ भी नहीं था। वही योग बल रोप पे लगाई हूँ और रोप पे पता नहीं कहाँ से मेरा तो सांस अटक गया। नहीं फुटा रखे हैं, तो लागी अगाड़ी और तब देखा जरा करी हालत यही है। अब आप उन्हें देख रहे और तब हम बल जिम जाना है, तब कनकांड लग गई खुट चल गई मेरा एक दिन का ठंड नंबर डे आना छ मैं खुटा भी जाना छे अभी ये भी था। सो गाइस, हम ट्रॉली में बैठ चुके, ओ माय गॉड ट्रॉली में बैठ चुके हैं और मैं बहुत टाइम बाद बैठ रही हूँ। मैं बचपन में बैठी थी, मेरे को डर लग रहा है। यहीं पे कर ले जितनी ब्लॉगिंग कर ले फटाफट से, फिर अब मेरी फोटो की खींचनी ट्रॉली। ओफो, इसको अपनी फोटो की पड़ी है। और ये देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखने वाला है। मेरा चश्मा लगा के सबको बता दे चिल्ला चिल्ला के। अभी यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमारी नजर यहाँ पे गई है। सी यहाँ पे बर्फ पड़ी है, कम ज्यादा नहीं है पर थोड़ी बहुत है, हमारे लिए काफी है। ओ यार गीला, ज्यादा पास नहीं जाना है, सॉक्स गीले हो जाएंगे तो फिर जाने में दिक्कत आएगी। और पीछे वादियों में
सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है, बस ऐसी ऊपर वाला कृपा बनाए रखे अपनी। दर्शन हो चुके हैं अभी और हम लोग जो है नारियल फोड़ने जा रहे हैं नीचे की साइड। इसमें से नारियल निकालना, नीचे जा रहे हैं। मैं अंदर वीडियो नहीं बनाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि क्या पता कोई कुछ बोल दे, सो इसलिए। बाकी काफ़ी पीसफुल है यार, काफ़ी शांत है, मज़ा आ रहा है। और रिचुअल्स आर कंप्लीटेड। अब हम जो हैं ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा। ये फुटबॉल क्यों रखी है इन्होंने पीछे? वो टैंक है, ऐसा टैंक, ऐसा टैंक, पानी का टैंक कैसा होता है? इस शेप में बना रखा ना, क्रिएटिविटी। नाइस। सी, मुझे इंडियन से ज़्यादा यहाँ पे बाहर के लोग दिख रहे हैं, एक एक करके निकलेंगे अभी सारे। अच्छी बात है यार, आना चाहिए। सी, क्राउड इज टू मच। देख सकते हो मेरी मेहनत, कितना स्ट्रगल कर रही हूँ मैं, नंगे पैर आ रही हूँ ठंडे ठंडे बर्फों में। बट बहुत अमेजिंग व्यू है, बहुत मजा आ रहा है। ब्रेकफास्ट ऑर्डर हो चुका है और हम जा रहे हैं खाने के लिए, लेट्स गो। आपको एक चीज बताऊँ तो, पहाड़ों की मैगी का जो स्वाद होता है ना, नेक्स्ट लेवल, बहुत टेस्टी। मतलब घर पे इतनी अच्छी नहीं लगती है मैगी। एंड हु मेड यू रियलाइज दैट? इसको बस अपनी तारीफ करानी है पूरे ब्लॉग में। अरे वो ये काम तेरे से नहीं होगा। यार नीचे जाते हुए डर लग रहा है यार। हाँ यार है ना थोड़ा। हाँ। पर मजा भी तो आ रहा है। सीन भी देखो यार, कितनी अमेजिंग है यार। अब थोड़ी देर बाद हम माता सुरकुंडा देवी के दर्शन करने के बाद चंबा पहुंच चुके हैं। चलते 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 हम चंबा आ गए। हमें नहीं पता था कि हम चंबा आने वाले हैं, बट आगे आते गए। अब हमारा प्लान क्या है कि आगे चल ही रहे आगे की साइड, तो टीहरी डैम भी देख ही लेते हैं, वहाँ से नीचे वापस चले जाएंगे। सो गाइस, आप देखो हम पहुँच चुके हैं टीहरी डैम। मैं कितनी जोर से चिल्ला रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज, दिस लुक्स रियली रियली अमेजिंग। आप देखोगे ना पीछे पानी इतना अच्छा है यार। काश ज़्यादा टाइम होता, क्योंकि दिन हो चुका है, ज़्यादा टाइम हो चुका है, नहीं तो बोटिंग वगैरह भी करते। बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली बाइक रुकवा के आपको ये दिखाया मैंने, नहीं तो रुकने वालों में से नहीं था। हम अभी पहुँचे हैं चंबा और बहुत भूख लगी थी, टीहरी डैम से वापस आ गए हैं चंबा वाले रास्ते के लिए, तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो हम कहीं रुके हैं रेस्टोरेंट में, ऑर्डर दे दिया है, खाना खाएंगे। और अभी हम भारी, हमने अपनी चेयर लगवा दी है, भारी बैठे क्योंकि धूप में बैठना बहुत ठंडा भी लग रहा है। भाई मैंने अभी यहाँ पे हाथ धोए अपने, इतना चिल्ड वाटर है ना, इतना ज़्यादा, बट अच्छा भी लग रहा है, थकान भी हो रही है। देखते हैं आगे क्या क्या कहाँ जाना होता है, आपको अपडेट देते रहेंगे। मसाला चापर रोटी, मसाला चापर रोटी प्याज। और फेस से आपको दिख ही रहा होगा मैं कितनी ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है ना, लिटरली इतनी नींद आ रही है, मैं सो लूँ। एंड थैंक्स टू दिस गाय, ही इज स्पॉन्सरिंग दिस ट्रिप। अभी घर चल के पता चलेगा जब मैं बिल भेजूंगा। ऐसे मत बोल यार, बेइज्जती करवा दी तूने, इतना अच्छा कर रही थी मैं यहाँ पे सब, कि सबको नहीं पता चलना चाहिए ना। इतना मज़ा आ रहा है ना सच्ची में, मतलब हम कहीं रुके नहीं हैं, हमने कुछ ज़्यादा खाया पिया नहीं है, देखा नहीं है, बस चली कुछ चल रही है, बस चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। इसी चीज़ के लिए हम आए थे यहाँ पे एक्चुअली, कि पूरा इंजॉय करते हुए पूरे रास्ते में जो है चलते जाएँ और पहाड़ों के नज़ारे लेते जाएँ। मस्त लग रहा है यार ये, यहाँ पे आप देखो लोगों की कलाकारी। चार डस्टबिन है इसके अंदर, दो इस साइड दो साइड, और लॉक लगा हुआ है, कहीं से नहीं खुल सकता, तो रखे क्यों है बाहर, कूड़ा पड़ा है सारा, देखो देख रहे हो।
सो आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर ज़्यादा करना ताकि और भी लोग देख पाए. या सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.